आगे सुरकोट अस्पताल में पहुंचेंगे तो थारी डिलीवरी, अगर किसी बहन की डिलीवरी है तो वो तो डिलीवरी सुरकोट प्रॉपर नहीं में है नहीं है, वो तो सिस्टम तमना फिर वो तो पूछ लेगा जाएगा सही है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचेंगे जिस टाइम अगर वो तारा को ब्लड कमी है, अक्सर डेफिशिएंसी है, वो एक मिसाल खाली डिलीवरी की जी दूँ, बड़ी की कॉम्प्लिकेटेड सारी बीमारियों की हालात यही है। यही है तो अगर तुम पहुंचो अस्पताल में जाएंगे वो कहेंगे जी, वो कहेंगे जी ब्लड लाओ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है ब्लड है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, और फिर तू तमना के करेंगे कि रेफर कर देंगे रजौरी या जम। जी तो ये हालात हैं, ये मांगे आज भी लोगों जी की, और इस वास्ते जी उनको कि जो कुछ होना चाहिए था वो वो नहीं नहीं हो हो। ये नहीं। कुछ लोग यह भी कहें कि क्योंकि जड़ा मतलब अकरम साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नाल ताल्लुक़ रखे हैं, तम भी उसे सेम कम्युनिटी नाल ताल्लुक़ रखे हैं, वो रिजर्व सीट थी उसका अप्रूव वे भी आया तम भी आया, और जड़ा क्योंकि इसमें जॉइंट इलेक्ट्रेट है मतलब बिल्कुल सीट अगरचे रिजर्व है लेकिन जॉइंट इलेक्ट्रेट को जो सिस्टम है वो है कि सारा लोग वोट पा सकें। और कुछ यो भी समझो जा रहे हो कि भाई दूजा लोगों ने गुजरां को एक बड़ो बूटो टाण वास्ते उन्होंने वोट दिता। तो बड़ा अच्छा सवाल पूछो, यह चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ लोग इस ना प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश करें। तो अगर मैंने पहला पता हो तो मैं सवाल पूछें तो हूँ थारा को सारी रिजल्ट शीट जड़ी लेगा तो हूँ अच्छा सारा पोलिंग बूथ वाइज जड़ी है, जी हालांकि एक तो नहीं बट चार चार पोलिंग स्टेशन की एक बार संदुकड़ी खुली थी, तो थारा को सारो पंचायत वाइज डाटो लेगा तो कि ऐसी बात नहीं है, गलतफहमी है। जो तो शुरुआत थी जो तो काउंटिंग हुई थी, जो हमारा इलाका हुआ आड़ी मरोट, जो प्यार जो जो 50 साल तो हमेशा गुजर कम्युनिटी को वोट है, और वो 50 साल तो हमेशा हुए बैठे एक रहे, साइड एक में साइड वोट दे बैठे रहे, लो वो जी। वोट इस बार मिना पे हुआ। अच्छा बिल्कुल वो वोट मिना, लीड ही मेरी जड़ी है वह उस इलाका में जो 4,000 की मेरी लीड है, अलहमदुल्ला लास्ट में जाकर 2,700 की लीड थी, मगर 4,000 की लीड मेरी उतू रही और वह कदे ब्रेक ही नहीं हुई। तो यू कहना बिल्कुल मतलब गलत है, तम खुद उन्होंने मौके दे थारा नाल तो बैठ के वो पूरा जो रिजल्ट है वो पंचायत वाइज, और उस मामले पिछलो रिजल्ट भी कटांगा पिछले असेंबली इलेक्शन में भी, वो कंपैरिजन करके दसूंगा कि भाई इसमें हमने जो है ज़बरदस्त सब तो जब उन इलाका में जो वोट मिले हो, और फिर नो डाउट सबको प्यार मिले हो, जी मतलब जी किसी भी अक्रॉस द, इस बार ये पहली बार ऐसा इलेक्शन हुए कि यो इसमें कोई कम्युनिटी कोई जात पात लोगों ने कुछ नहीं देखी, इन सब चीज़ों तो उठ गए लोगों ने वोट दितो है, चेंज वास्ते वोट दितो है, सुरन कोटना बदलन वास्ते वोट दितो है, और एक तरह डेवलपमेंट वास्ते है कि भाई एक नौजवान आवे वो यो कुछ शायद मारो कम करे, वो इस उम्मीद ने लोगों ने वोट दितो है, इस बार सारी चीज़ें तो उठ गए लोगों ने जो है यो मैंडेट दितो है। इसके नाल नाल हूँ यो भी पूछना चाहूँ कि थारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मांदरों की है मतलब कि उसके सुनकोट एक की है। सुरनकोट ए तो बेसिकली हमारी, क्योंकि सुरनकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत बड़ी है, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी सुरनकोट की चार जड़ी ये ब्लॉक बने, जड़ी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी चार बनी, जी उसमें एक लसाना हो गयो, एक बफ उसको कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में हमारा बफलियाज बन गयो भी, जो सुरनकोट मेन बड़ा ब्लॉक तो उसका दो हिस्सा गया सुरनकोट ए ते बी, उसमें हमारा सुरनकोट ए में काफ़ी फार फ्लंग एरिया जो है वो बिल्कुल आड़ी मरोट, उसमें हिल काका भी है इंक्लूड है, उसमें आगा वो एरियो फार फ्लंग है, फिर तो डोडी भी बड़ो फार फ्लंग एरियो है, फिर लठूंग है, तुंदक है, सनई है, पोठा है, और सुरनकोट मेन अपर लोअर दो पंचायत है, टोटल मिला गए 19 पंचायत है, तो कुल जोड़ो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सेंटर पॉइंट जोड़ो वो बिल्कुल यो मारो इलाकों थारे इलाकों में। हैं जी। तो थारा के ख्वाब हैं अपनी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जड़ी के तमने जी गुणवाई है हूँ इसके के तम के ख्वाब दसेंगे लोगों ने कि भाई ऊँके कर दूंगा तुमने यार। नहीं एक तो हो गया कि लोगों ने गिलो थो और थारा वर एक तवक्का थी ठीक है ना, उन तम के गिनवावेंगे कि तम के करेंगे देखो मेरी पहली इसे इसे पर्टिकुलर यही एरिया है वा। जी। पार्टिकुलर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि एक तो हो गया जनरल लड़ाई लड़नी हो तो पूरा इलाका वास्ते पूरा डिस्ट्रिक्ट वास्ते जिस टाइम की तब इशू रेज करूँ वो ना सिर्फ बल्कि सुरनकोट बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट वास्ते हमेशा वो इशू रेज करूँ, पिछले दिनों में कई सारा इशू रेज किया, बट जब तक पार्टिकुलरली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वो ताल्लुक है, क्योंकि जरा भी मिलना एम्पावरमेंट मिलेगी जरा अख्तियार मिलेगा भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते मिलेगा, हालांकि जब तक पता हो डीडीसी मेंबर्स ना आ जाए को अख्तियार अजा नहीं मिले है नहीं है, जी जी हम उसकी इंतजार में हमने उम्मीद है कि सरकार ने जो वादों किए थे वो पूरा कराएगी और हम ना अख्तियार देंगे ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें, बट मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते
मैंने प्रायोरिटी फिक्स कर ली है पहले एजुकेशन, कि हमारा जितना स्कूल्स हैं, यह हालत है कि मिड